वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम एक औषधीय पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि हमें अचानक मिला है। ये हुरहुर का पौधा है। इसको तिलपर्णी, उग्रगंधा, हुरहुर, हुलहुल, टिकवीड, वाइल्ड मस्टर्ड, डॉग मस्टर्ड, तिलवन, तलवन, क्लियोम विस्कोसा कई नामों से जाना जाता है। तो औषधीय पौधों का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। तो शाम को घूमते समय इस पौधे पर नज़र पड़ी। एज ए प्लांट लवर आपको सभी पौधे जल्दी से पसंद आ जाते हैं। तो जब देखा, वैसे तो हमने सोचा ये कोई खरपतवार, वीड है, घास है, लेकिन फिर इसके बारे में पता किया, क्योंकि हम हर पौधे के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो पता किया तो ये एक औषधीय पौधा निकला, मेडिसिनल प्लांट निकला, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस पर फूल भी आ रहे थे, लेकिन शाम को वो फूल बंद हो चुके थे, इसीलिए ज़्यादा पहचान नहीं हो पा रही थी। तो चार पौधे हमें यहाँ पर दिखाई दिए जो अपने आप ग्रो हो चुके थे। तो ये पौधा जो होता है, ये खरपतवार की तरह ही जगह जगह ग्रो हो जाता है, जैसे खाली प्लॉट्स होते हैं, सड़क के किनारे या जंगलों में। लेकिन हमारे चारों ओर इतनी ज़्यादा औषधियाँ होती हैं, हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसीलिए हमने ये पौधा आपके साथ शेयर करने की सोची कि अगर आपको ये पौधा कहीं मिलता है तो इसके सीड संभाल कर रखिए और जगह जगह इनको ज़रूर फेंकते रहिए, ग्रो करते रहिए। उससे क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर इसकी जो औषधियाँ हैं ये बनी रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका संरक्षण भी होगा और ये ख़त्म भी नहीं होंगी। तो सुबह को इसके फूलों को देखने के लिए गए तो इस पर छोटे छोटे येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। इसमें दो तरह के फूल आते हैं, जैसे ये येलो फ्लावरिंग करने वाला पौधा है, एक इसमें वाइट फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है। येलो फ्लावरिंग प्लांट को कहते हैं पीत हुरहुर, और जो वाइट फ्लावरिंग करने वाला पौधा है उसको कहते हैं श्वेत हुरहुर। दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा औषधीय महत्व है। तो हमने इसका कभी प्रयोग नहीं किया था, हमें ये घास ही लग रही थी, लेकिन जब इसके बारे में जाना तो देखा कि अरे इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। कर्ण विकार यानी कि कान की कोई भी समस्या होती है, दर्द होता है कान में, तो इसके रस का प्रयोग किया जाता है। ज्वर आता है यानी बुखार आता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है प्रयोग करते हैं। तो आँखों की समस्या, पेट की समस्या, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़ कोई भी है, दांत खाज खुजली, तो उसमें इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको क्रश करके लगाया जाता है। तो ये सब हमें पता किया तो ही पता चला है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए आपको भी सलाह देते हैं, जब तक आप इसके बारे में पूरी तरह से पता ना लगा लें किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसके बारे में सही से जानकारी रखता है, तब तक इसका बिल्कुल प्रयोग ना करें। किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे व्यक्ति से परामर्श लीजिए जो पूरी तरह से इसके बारे में जानता हो। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को एकदम से यूज़ ना करें, और जब तक उसके बारे में जानकारी ना हो तब तक उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इसकी पहचान इसकी पत्तियों से कर सकते हैं। इसमें 5 पत्तियाँ होती हैं इस तरह से। अभी ये धूप है तो जो 2 पत्तियाँ हैं वो मुड़ चुकी हैं इसकी, तो पहचान सही से नहीं हो रही है। लेकिन पौधे पर आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियाँ हैं वो 5 पत्तियों वाला पौधा होता है। सरसों की तरह इसमें फली आती हैं, सीड्स बनते हैं। पीले और सफ़ेद फ्लावरिंग वाला ये पौधा होता है, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और ये पौधा लगभग मई जून में ग्रो हो जाता है अपने आप ही, सड़क किनारे खरपतवार की तरह या प्लॉट्स में खाली। और लगभग ये जुलाई अगस्त में इसकी जो फलियां हैं ये बनकर तैयार हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी। तो इनके सीड्स हम कलेक्ट करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह के औषधीय पौधों को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इनका संरक्षण मिलना चाहिए इनको। और इनके जो सीड्स हैं उनको हम रखेंगे, और जब कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी को उसको भी देंगे, और इनको जगह जगह हम बिखेर देंगे, जिससे कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगी। हमारी पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा औषधियाँ हैं, हमें पता ही नहीं है उनके बारे में, तो इसको भी हम बचाएंगे और इसकी फलियों को हम रखेंगे। जैसे अगर हम नहीं भी रखेंगे तो इसकी फलियाँ यहाँ पर गिर जाएंगी, और नेक्स्ट ईयर फिर से मई जून में इसकी पौधे फिर से तैयार होंगे और फिर से उन पर है। तो कभी ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी फलियों को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं पर किसी किसी स्टेट में, राज्य में इसकी खेती भी की जाती है जो इसको जानते हैं। और इसकी जो फलियां हैं उसमें जो सीड्स होते हैं सरसों के दाने की तरह, उसका ऑयल भी बनता है, और उस ऑयल का औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो जो लोग औषधियों के बारे में जानते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। तो अगर आपको ये पौधा कहीं दिखाई दे तो इसके बारे में आपको पता होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के और भी पौधे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो हमारे चारों ओर होते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं और औषधीय महत्व रखते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से इस पे फूल भी खिलते हैं, छोटे छोटे फलियाँ भी आती हैं, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट आप इसको ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।